ये फ्रेंड टाटा की टीएगो है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये इसका मैं क्लच प्रेस किया हूँ, क्लच प्रेस किया हूँ मैं, देख सकते हो चाबी घुमा रहा हूँ बट ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं सब सिम्बॉल आ रहा है क्लस्टर मीटर में, चेक इंजन लाइट का भी आ रहा है और इसका क्लच भी प्रेस है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ये टाटा टीएगो है एक्स जेड, मैं इसको चेक करूंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। कलर यही रहता है ना एक्सीलेटर का, देखते ना। मैं इसका बैटरी टर्मिनल पहले बाहर निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं इसका फ्यूज चेक करूंगा, उसके बाद आगे का देखेंगे। और मैं इसका फ्यूज बॉक्स चेक करूंगा। ये फ्रेंड इसमें एक एसटी सॉल मतलब एसटी स्टार्टर सोलेनोइड का एक फ्यूज़ होगा, उसको चेक करूंगा मैं, और उसके पहले मैं इसके रिले को चेक करूंगा। ये इसमें स्टार्टर रिले ये है और एक ये स्टार्टर रिले है, देख सकते हो इसके बॉक्स में दिया हुआ है। मैं इसके स्टार्टर रिले दोनों निकालूंगा और लगाऊंगा। ये फ्रेंड प्रॉब्लम नहीं है रिले में, मैं इसको एक्सचेंज करके लगा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी रिले मूवमेंट भी नहीं करता है। ये फ्रेंड एबीएस इश्यू हुआ 25 एम्पियर का और इसके ऊपर में स्टार्टर सोलेनोइड का फ्यूज़ है, फ्यूज़ लगा हुआ है, इसको मैं चेक करूँगा। ये है एबीएस का और ये एसटी सॉल भी जो है इसको भी मैं फ्यूज़ चेक करूँगा 20 एम्पियर का, ये दोनों फ्यूज़ को मैं चेक करूँगा। ये इसका फ्यूज़ है पूरा, ये फ्रेंड फ्यूज शॉर्ट है देख सकते हो आप, ये फ्यूज शॉर्ट है, ये उड़ गया, ये जल चुका है, 25 एम्पियर का फ्यूज है। मैं एबीएस इश्यू का फ्यूज को भी चेक करूंगा, ये ठीक है, ये शॉर्ट नहीं हुआ बट इसमें से ये वाला फ्यूज जो है शॉर्ट है, एसटी शॉल एस्ट्रोवेल फ्यूज है इसका। इसमें नया फ्यूज लगाऊंगा, ये टाटा टीएगो एक्स जेड है, इसका स्टार्टर रिले मैं एक्सचेंज किया हूँ और ये फ्यूज शॉर्ट है। इसमें स्टार्टर सोलेनोइड का फ्यूज शॉर्ट है तो मैं स्टार्टर सोलेनोइड का फ्यूज नया लगाऊंगा। 25 एम्पियर का फ्यूज, तीस एम्पियर का फ्यूज़ है मेरे पास, मैं 30 एम्पियर का फ्यूज़ लगाऊंगा इसमें। और ये जो एक फ्यूज़ है वो ठीक है, मैं इसका बैटरी टर्मिनल लगाऊंगा, इसको शेल्फ मार के चेक करूंगा मैं, टर्मिनल को टाइट करके मैं शेल्फ मारूंगा। फ्यूज लगा दिया, नया फ्यूज 25 एम्पियर का, मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ और मैं क्लच प्रेस करके रखा हूँ और ये स्टार्ट हो गई, देख सकते हो इसका आरपीएम 1000 पे है। एक बार बंद करके फिर चालू करूँगा, पैडल प्रेस करके रखा हूँ, देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया,
म्यूजियम की तरफ लेके जाऊंगा एक बार। ये फिनिश में फ्यूज शॉर्ट था तो मैं इसको लगाया, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसको बैटरी टर्मिनल को फिर से अच्छे टाइट करूँगा। इसमें फ्यूज का प्रॉब्लम था, दो तो फ्यूज में लगाया। ये कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वरना 1.6 इंजन मिसिंग प्रॉब्लम, ये मिसिंग कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का बनाऊंगा। अभी चेक करूंगा क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं बुशिंग का काम कर रहा हूं शिफ्ट में, इसमें बुशिंग का प्रॉब्लम है तो मैं बुशिंग का काम कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में वरना 1.6 इंजन का मिसिंग का प्रॉब्लम है तो इसको चेक करूँगा, उसका बनाऊँगा। और फ्रेंड जितने मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन